हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन। ये कार नहीं, ये हाहाकार है। तो अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन आता है। तो ये आपको मिलता है एक्जेड प्लस मॉडल, जिसमें आपको अडास फंक्शंस नहीं आता है। एक्जेड प्लस ओ में आपको अडास फंक्शंस मिल जाते हैं। ये टॉप एंड है लेकिन मैनुअल है, तो इसमें अडास फंक्शन नहीं आता है। टाटा के सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक मॉडल्स में आपको अडास फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। तो चलिए हम जानेंगे इसके फीचर्स। सबसे पहले हम इसके फ्रंट की बात करेंगे, तो फ्रंट जो इसका है वो एकदम मस्कुलर दिखता है। तो अगर फ्रंट ग्रिल की बात करें तो एरो फ्रंट ग्रिल दिखती है विथ पियानो फिनिश, और यहाँ पे एक रेड एरो भी दिया गया है। रेड एरो एक इसमें एक अलग ही स्टांस डालता है। उसके बाद हम बात करें अगर फ्रंट में, तो इसको एक कैमरा दिया गया है, एक फ्रंट कैमरा दिया गया है 360 फंक्शनैलिटी के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके DRLs की। ये जो DRL है काफी चौड़े मिलते हैं विद डुअल फंक्शनैलिटी, मतलब ये आपके लिए टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी काम करते हैं। फिर हम देखेंगे आगे कि इसके जो स्प्लिट हेडलैम्प्स है, जेनॉन स्प्लिट हेडलैम्प्स आते हैं। एक हेलोजन आपको मिल जाता है जो हाई बीम है, और लो बीम आपको मिलता है जेनॉन। देन इसके जो फॉग लैम्प्स हैं, जो कि आपको हैलोजन फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके इसके हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स के डिजाइन देखेंगे तो ये मैट फिनिश से कवर रहता है। देन हम बात करेंगे इसके व्हील्स की। इसके अलॉय व्हील्स जो आते हैं, 18 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं, जिसमें आपको रेड कैलिपर मिल जाता है, और चारों ही डिस्क ब्रेक्स है इसमें। डिस्क ब्रेक्स जो है इसमें आपको रेड कैलिपर मिलता है, जो एक रेड डार्क एडिशन कॉम्बिनेशन को शो करता है। देन हम इसके बैज की बात करते हैं, हैशटैग डार्क एडिशन, रेड डार्क एडिशन एडिशन जो बैज है यहाँ पे उसकी बात करते हैं। एक अलग ही लुक के लिए दिया है, इसमें ज्यादा रेड रेड नहीं दिया है। भले ही ये रेड डार्क एडिशन है, ज्यादा ही रेड रेड नहीं दिया है इसमें, क्योंकि अगर ज्यादा ही रेड देते तो ये पूरा रेड रेड हो जाता था। देन हम बात करेंगे इसके ORVMs की। ORVMs में भी इसको इसमें आपको कैमरा मिल जाता है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा की फंक्शनलिटी मिलती है। इसके लिए आपको इसके ORVMs में भी कैमरा मिल जाता है। अगर हम इसके साइड व्यू की बात करें तो आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाते हैं। देन आपको इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ से देखेंगे तो आपको एक सेंसर मिलता है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो अंडर बॉडी स्कर्टिंग्स मिलती है आपको, एक स्पोर्टी लुक के लिए, या फिर गाड़ी को ऑफ रोड के डैमेजेस से बचाने के लिए आपको अंडर बॉडी स्कर्टिंग्स मिलती है। देन जैसे ही हम एक रिक्वेस्ट सेंसर को ओपन करेंगे तो आपको एक ये यहाँ पे जो सीट है, ड्राइविंग सीट, ये 6-way एडजस्टेबल सीट्स है और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शंस है। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो ये ड्राइवर सीट आपको वेलकम करती है और मूव होती है। अगर हम इसके डोर की बात करें, जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं तो ये देखिए आपको एक रेड कलर का एडिशन देखने को मिल जाता है, और ये पियानो फिनिश का ब्लैक कलर का एडिशन मिलता है। तो ये रेड और ब्लैक फिनिश आपको मिक्स मिलता है। यहाँ पे एक एम्बियंट रेड लाइट आती है, जब आप इसको नाइट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एम्बियंट लाइट दिखेगी। देन यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे। देन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके इंटीरियर्स की बात करें तो ये आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ मिल जाता है, जहाँ पे आपको मीडिया फंक्शंस कंट्रोल, उसके बाद आपको क्रूज कंट्रोल्स, ये सब फंक्शनलिटी मिल जाती है। देन हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो जैसे ही हम इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं तो ये आपको एक वेलकम डिस्प्ले दिखाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओर। ये 10.25 इंच का फुल्ली स्मार्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही चीज़ें मिल जाती है। अगर हम इसका 360 व्यू देखें तो देखिए ये 360 व्यू दिखता है, जो कि आपको 2D और 3D दोनों में ही दिख जाता है। उसके बाद ये देखिए ये इसका 360 व्यू है। आपको अगर किसी कोई भी आपकी
गाड़ी का डोर ओपन है तो आपको दोनों ही स्क्रीन्स पे वार्निंग के तौर पर दिख जाता है कि आपका डोर ओपन है गाड़ी का। देखिए अब मैंने इस गाड़ी का ड्राइवर डोर ओपन कर लिया है, तो देखिए ये यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा पोर्शन, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने पीछे ट्रंक ओपन किया फिर भी ऐसा ही होगा। देखिए अभी मैंने डोर बंद किया लेकिन वो ठीक से बंद नहीं हुआ, तब भी ये पोर्शन ब्लैक हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन ब्लैक हो गया पूरा। ठीक है, ये आप इकोनॉमिक मोड पे ड्राइव कर सकते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, देन उसके बाद आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स भी मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अलग ही यूनिक डिजाइन दिया गया है, यहाँ पे ब्लैक फिनिश दिया गया है इंटीरियर में। उसके बाद यहाँ पे आपको सनरूफ ओपनर मिल जाता है, ये देखिए सनरूफ ओपन हो रहा है यहाँ से। हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अगर इसके सीट्स देखेंगे आप तो फुल्ली वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर जो सीट्स हैं इसके फुल्ली वेंटिलेटेड सीट्स हैं। उसके बाद ये जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, अगर यहाँ से आप बटन दबाएंगे तो ये बटन पे है एडजस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। उसके बाद जो स्पीकर्स हैं अंदर JBL के स्पीकर्स हैं, इसमें अंदर आपको JBL के स्पीकर्स ही देखने को मिलेंगे, जहां भी आपको स्पीकर का सेक्शन मिलेगा वहां पे आपको JBL के स्पीकर्स ही दिखेंगे। अगर हम इसका जो मिडल रो देखेंगे, अगर हम इसका मिडल रो देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट का फंक्शन मिल जाता है, रेड फिनिश में हैंडल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। देन जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट दिखेंगे, ये हेडरेस्ट है लेकिन इसके साथ एक और हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि एक्स्ट्रा हेडरेस्ट है, फुली कंफर्टेबल को हम एडजस्ट कर सकते हैं आपके हेड की पोजीशन के हिसाब से। देन यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये आपका आर्मरेस्ट है। अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा लेगरूम दिया गया है कार में, और यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाते हैं। देन यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, दो USB पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट्स भी हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको 4 में मिलती है और ड्राइवर सीट जो है आपको 6 में मिलती है। देन यहाँ पे आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं, JBL के स्पीकर्स यहाँ पे भी है। अगर आपको पीछे के कैबिन में जाना है तो यहाँ से आप ये सीट्स को ऐसे कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से ऊपर हो जाती है सीट्स। फिर उसके बाद आप रियर में बैठ सकते हैं, रियर में भी आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और उसके बाद चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है रियर में भी। रियर में आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि जो भी AC के वेंट्स हैं उनके कंट्रोल्स भी आपको रियर में मिल जाते हैं। उसके बाद रियर में आपको ये लाइट भी मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं यहाँ पे, वो भी मिल जाता है, यहाँ पे आप मोबाइल अपना रख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप मोबाइल रख सकते हैं। ये सीट्स जो है फुली फोल्ड हो सकते हैं। अगर आप देखें ये देखिए ये भी सीट्स अगर फुल पीछे भी हैं तो आपको कंफर्ट मिल जाता है रियर रो में भी, आप दो लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। अगर हम इसके रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा मिल जाता है,
रियर वाइपर, रियर डिफॉगर्स, रियर वॉशर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, हाईलाइट मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है आपको यहाँ पे। अगर आप इसके टेल लैम्प्स देखेंगे तो ये प्योर एलईडी टेल लैम्प्स है, काफ़ी वाइड आते हैं, जो कि नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। देन आपको ये सेंसर्स मिलते हैं। देन अगर इसको हम ओपन करें, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये जो आपके सीट्स हैं, ये यहाँ से आप ओपन करके इनको फुल्ली रिक्लाइन कर सकते हैं। पूरे अगर आप उनको फुलाना चाहें तो पूरे फोल्ड भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपका बूट स्पेस भी बढ़ जाता है साइड में। देन ये आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डी एग्जॉस्ट मिल जाता है और ये आपकी टूल किट यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, ABS, EVD, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, हिल होल असिस्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंगरेजेस, टायर प्रेशर वार्निंग, ये सब सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन है उसमें आपको अडास भी मिल जाता है। चलिए अब मिलते हैं गाड़ी के प्राउड ओनर से, हम इनके भी रिस्पॉन्स और रिव्यू जानना चाहेंगे। तो आप मुझे बताइए, गाड़ी आपने स्कॉर्पियो एन कैंसिल करके, ये गाड़ी आपने क्यों चूज़ की? बेसिकली दो से तीन रीज़न थे इसके पीछे। पहला रीज़न, मेरी फैमिली जो है बहुत छोटी है, पर फिर भी मेरे को 7 सीटर की रिक्वायरमेंट थी और मेरे घर में सब मेरे जैसे हेल्दी है, तो उस हिसाब से स्कॉर्पियो एन नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन था। बट जो सेकेंड रो है जो मेन रीज़न है वो है सेकेंड रो। इसमें आप 45 डिग्री तक रिक्लाइन भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। स्कॉर्पियो एन में ये फैसिलिटी नहीं थी, मेन थिंग ये था, इसलिए मैंने स्कॉर्पियो एन कैंसिल किया। और कोई मेन ज़्यादा वो नहीं था, स्कॉर्पियो एन भी मैंने फर्स्ट डे पे ही बुकिंग किया था, जब बुकिंग अलॉट हुई थी उसकी, ऑन द वेरी फर्स्ट डे किया था। और मैंने Z8 मॉडल भी चॉइस किया था, बट Z8 मॉडल अभी तक लॉन्च भी नहीं किया उन्होंने, उनका कोई प्रोडक्शन में चालू ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली Z8L जो है उनका टॉप एंड मॉडल वो चला रहे हैं वो, और 27 लाख उसको देने से अच्छा 27 लाख मैंने इसको 28 लाख देने बेटर समझे। थैंक यू। तो ओवरऑल आपने, मतलब आपको लगता है आपने एक सही डिसीजन लिया है? बिल्कुल, आज मेरा ये तीसरा दिन है गाड़ी का और तीसरे दिन पे ही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने टाटा सफारी लिया है। थैंक यू। चलिए, ये हो गया आपका ओनर्स रिव्यू। अभी हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करेंगे, जहाँ पे गाड़ी चलाएंगे खुद ओनर ही, और चलाते चलाते ही आपको रिव्यू दे देंगे गाड़ी का। चलिए, अब हमने सीट बेल्ट बांध दिया है, अब ये ओनर खुद गाड़ी चला रहे हैं। ये देखिए, ये इसका 360 डिग्री कैमरा, साइड कैमरा ऐसे वर्क करता है, ये आपको साइड कैमरा में दिख जाएगा। आप जब भी टर्न इंडिकेटर चलेंगे तो ये आपको 360 कैमरा आपका साइड कैमरा वर्क ऑन करना चालू कर देता है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखिए, किसी का कॉल आ रहा है तो आपको स्क्रीन पे दिख जाता है। इसका जो टच है काफ़ी सॉफ्ट है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आता है। 3 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। थकावट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तीसरा दिन है आज, करीबन 150 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 150 किलोमीटर में घर वालों को ही सिर्फ राउंड खिलाया है, उसमें ही बहुत मज़ा आया है। ये देखिए, इसका जो बम्पर भी है यहाँ से क्लियरली विजिबल है। कहीं कहीं कार्स में ऐसा होता है कि इसका बम्पर जो है वो विजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे बम्पर भी विजिबल है, तो आपकी जो ड्राइविंग है काफ़ी स्मूथ होती है इसमें। और सामने की चीज़ जो है वो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो भी चाहें इजीली कंट्रोल अपने ड्राइविंग को कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बम्पर और हुड है क्लियरली विजिबल है। यहाँ से टाटा ने इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे और स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, और जो भी कस्टमर की डिमांड्स थी उसको पूरी तरीके से पूरा किया है टाटा ने अभी। ये देखिए, अभी यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है, व्हीकल स्पीड टू हाई,
ड्राइव स्लोली, क्योंकि आगे ट्रैफिक है, ये ऑटोमेटिक सब सेंस करता है। ये देखिए काफी स्मूथ ड्राइव चल रही है और कैबिन जो नॉइज है वो काफी कम है इसका। BS6 Phase 2 के बाद बहुत अच्छा, इसमें बहुत ही ज्यादा वर्क किया है इंजन के ऊपर, स्मूथनेस बहुत ज्यादा आ रही है, केबिन नॉइज एकदम नहीं के बराबर हो गया है। इंस्पायर्ड बीइंग डीजल कार बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सही फील है इसमें। तो भाई ओनर खुश होने चाहिए, तो गाड़ी से ओनर खुश है तो बाकी दुनिया खुश है, तो ओनर का रिव्यू पॉजिटिव है। ये था हमारा ओवरऑल व्यू गाड़ी के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या क्या आपको इस गाड़ी में पसंद आया और आपको ये गाड़ी कैसे लगी, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।